बदिटावा के भरतना में कोतवाली परिसर में होली पर्व को लेकर उप जिलाधिकारी नंद प्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई। मंगलवार को आयोजित शांति कमेटी की बैठक में SDM नंद प्रकाश मौर्य ने उपस्थित जनों से होली का त्यौहार प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की प्राथमिकता है। आपसी भेदभाव को भूलकर होली का त्यौहार खुशी के साथ मनाएं। पुलिस क्षेत्राधिकारी बैजनाथ सिंह ने कहा कि होली पर झगड़ा फसाद से दूर रहें। बाइक पर मस्ती करने वाले युवा नियम कायदे में रहकर मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हुए हेलमेट का प्रयोग करें। इस कार्य में अभिभावक भी सक्रिय भूमिका अदा करें। उपद्रवी शराबी तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परिसर में आहूत बैठक में उप निरीक्षक ब्रजेंद्र सिंह सोलंकी, अनुभव चौधरी, प्रताप मिश्रा, अमित आदि लोग मौजूद रहे। आप लोगों गांव में कहीं कुछ ऐसी सूचना है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। यहाँ जुलूस उलूस भी निकलता है क्या उस दिन? नहीं, हर जिलों के अपने अलग अलग होते हैं। हम लोग यहाँ के लिए चाहिए। रंग कब तक खेलते हैं आप लोग? 2 बजे तक। 2 बजे के बाद? 2 दिन तो खेल लेते हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, भरतना, इटावा। फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव नगला मदना में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपनी मुर्गी को ले जाने से रोका। महिला शरण देवी ने बताया कि उसका मुर्गी पालन का कार्य पूर्व में एक आरोपी उसकी मुर्गी ले जा चुके हैं। मंगलवार को मुर्गी लेकर जा रहे थे, रोकने पर गालियां देने लगे। गालियां देने से रोका तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोपी के सिर पे तमंचे की बट मारी गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला परिजनों के साथ थाने पहुंची, वहीं पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जसराना, फिरोजाबाद। जनपद हरदोई के बेनीगंज कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जहां पर नगर व क्षेत्र की जनता से अपील की गई कि होली के पर्व को शांतिपूर्वक मिलजुल कर मनाएं व केमिकल से बने रंगों को मत खरीदें व शांति बनाए रखें। इस मौके पर जाकिर अहमद, उमेश चंद, आजाद अंसारी, लव मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। बाद में फर्जी NGO बनाकर जिला अलीगढ़ निवासी राजवीर ने विजया जन उद्यम सेवा समिति नाम से NGO जो कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार से संबंधित है, बताया गया है कि कई शहरों में संचालित है तथा इसमें काम करने वाले लोगों को 10,000 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। ये पैसा 3 महीने बतौर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद सरकारी जॉब लगने के नाम पर 50,000 रूपए तकरीबन 30 युवक युवतियों से लिए गए और फरार हो गया, जिसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी महोदय को दी गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद।